Myself, Lokesh Kumar Meena, Assistant Professor, Government College, Jhalawal, Mathematics Department. BSc Final के स्टूडेंट का इस क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 8 इलेक्ट्रिक बल्ब of which 2 are defective, aim and select 3 bulb from the box, find the expected number of the defective bulb he has drawn. तो कोई box है, इसके अंदर 8 bulb है जिनमें से 2 bulb खराब है। एक आदमी box से 3 bulb को चुनता है, तो इन bulbों में खराब bulbों की प्रत्याशित संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 bulbs are defective, then 6 bulbs are good and 2 bulbs are defective because total bulb कितने 8, तो 6 कितने हो गए अच्छे या जिनमें कोई खराबी नहीं है। तो probability of 3 good bulb equal to 6C3 upon 8C3 equal to 20/56। तो probability of 2 good and 1 defective bulb, तो 3 बल्ब को चुन रहा है कोई भी व्यक्ति, तो या तो तीनों बल्ब अच्छे होंगे उनमें से, या तो 2 बल्ब अच्छे होंगे एक खराब होगा, या एक खराब होगा और 2 अच्छे होंगे, या एक अच्छा होगा 2 खराब होंगे, या तीनों ही अच्छे होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है अपन ने। तो ये आ गया अपने पास में, एक्स इक्वल टू मान 012, पी का मान 20/56, 30/56, 6/56। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ई एक्स इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू, तो 20/56 इंटू 0 प्लस 30/56 इंटू 1 प्लस 6/56 इंटू 2, टोटल आ गया 42/56, तो 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अर्न कंटेंट्स एन टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to n एंड एम टिकट आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम With replacement from urn, find the expectation of the sum of the numbers drawn. तो एक थैले में 1 से n नंबर तक की कितनी टिकट है n, इनमें से एक एक टिकट करके m टिकट निकाली जाती है, तो निकाले गए नंबरों के योग की प्रत्याशा ज्ञात करनी है। तो फ्रॉम 1 टिकट x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन n, p इक्वल टू 1 upon n, 1 upon n, 1 upon n, 1 upon n, ई एक्स इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू 1 upon n, 1, 2, 3, n, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, n का क्या हो गया n प्लस 1 upon 2 इंटू n, तो n से n कट गया n प्लस अपॉन 2। इफ नंबर ऑफ m टिकट आर x1 x2 m, देन s इक्वल टू x1 x2 xm, ई एस इक्वल टू x1 x2 xm, एन प्लस 1 upon 2 प्लस एन प्लस 1 upon 2 एंड सो एम बार एम इंटू एन प्लस 1 upon 2, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इफ एक्स इज सच ए वेरिएट दैट ई एक्स इक्वल टू 10 वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 25, फाइंड द दोज पॉजिटिव वैल्यूज ए एंड बी फ्रॉम फॉर विच द एक्सपेक्टेड वैल्यू द वेरियंस y इक्वल टू ए एक्स माइनस वी। तो y इक्वल टू दे रखा है ए एक्स माइनस वी और ई एक्स इक्वल टू 10, वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 25, ए और b का मान निकालना है आर 0 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो ई वाई इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई बी, तो इसको अलग कर लिया ई एक्स माइनस ई बी, ए बाहर निकाल लिया माइनस ई बी, ई एक्स का मान रख दिया ई बी, तो 10 ए माइनस बी बराबर ई वाई का मान 0, क्योंकि 0 और 1 रेस्पेक्टिवली मान दे रखे हैं। फिर वेरियंस ऑफ y इक्वल टू वेरियंस ऑफ ए एक्स माइनस बी, वेरियंस ऑफ ए एक्स माइनस वेरियंस ऑफ बी, तो इसका मान दे रखा है अपन को 1, तो ए स्क्वायर, इसको वेरियंस ऑफ ए एक्स का मान ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, ये थ्योरम है, आपको ए बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर बाहर निकलेगा सिर्फ माइनस, और ये कॉन्स्टेंट का हो जाता है 0 वेरियंस। तो 25 ए स्क्वायर वेरियंस एक्स दे रखा है आपको 25, तो 25 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1 upon 5 मान रख दिया इसमें, तो बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1/5, बी इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ द फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस इन ए ट्रायल। तो इफ एक्स, तो अपन को क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, तो क्वेश्चन है आपके पास, परस्पर स्वतंत्र अनंत परीक्षणों में यदि सफलता की स्थिर प्रायिकता दे रखी है आपको P, तो प्रथम सफलता के पहले असफलता की संख्या की प्रत्याशा ज्ञात करनी है। इफ x इज द नंबर ऑफ द फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, तो x इक्वल टू 0, 1, 2 रेस्पेक्टिवली, प्रोबेबिलिटी P, इसकी प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिव में मानना P, QP, Q2P, QQP एंड सो ऑन, वेयर Q इक्वल टू 1 माइनस P, तो EX इक्वल टू P इंटू 0 प्लस QP इंटू 1, Q2P इंटू 2, QQP इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन, PQ कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2Q प्लस 3Q2 प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया 1 माइनस Q की पावर माइनस 2, तो 1 माइनस Q आया अपने पास में P, क्योंकि P प्लस Q इक्वल टू 1, तो PQ P माइनस की पावर 2, तो Q अपॉन P, Q का मान रख दिया 1 माइनस P अपॉन P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड EX इफ ये रैंडम वेरिएबल्स X टेक्स विद द वैल्यूज XK विद रेस्पेक्टली PK, वेयर XK का मान दे रखा है माइनस 1 रेस्ट टू पावर K, 2K अपॉन K, PK का मान दे रखा है प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ 2K, K इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बाई डेफिनेशन EX इक्वल टू समेशन K इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी PKXK, मान रख दिया PKX का कट गया यहाँ पर, तो बचेगा अपने पास समेशन K इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस्ट पावर K अपॉन K, तो इसको अपन ने खोल दिया तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये log 2 का फॉर्मूला बन जाता है, तो माइनस log 2 ये अपना आंसर है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस करेंगे।